بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين وسامعين अलरबा नवमी के मुबारक सिलसिले का ये दसवें दरस है जिसमें हम इस मजमूे की नवी हदीस को पढ़ने समझने और याद करने की कोशिश करेंगे तो आएँ सबसे पहले हदीस पाक के अलफा और तरजमे पर एक नज़र कर लेते हैं अनबी हो रही रहता आब्दरबिन सखरन क़ाल سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم ابو هريره عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه से रिवायत है फरमाते हैं मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जिन चीज़ों से मैं तुम्हें मना करूं, उनसे रुक जाओ और जिन चीज़ों का हुक्म दूं, उन्हें मकदूर बर करने की कोशिश करो इसलिए कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं उनको गैर ज़रूरी सवालों की कसरत और अम्बिया के साथ इख्तिलाफ करने ने हलाक कर दिया साबिका हदीस मुबारक की तरह ये हदीस भी बड़ी अज़ीमशान रफ़ीमरतबत है अपने अंदर बड़ी जामइत और मानवीयत को लिए हुए है इस हदीस पाक में शरीयत की तात फर्माबरदारी और इतबा सुन्नत पर बिला चू चिरा के जोर दिया गया है एक मोमिन और मुसलमान का ये शेवा है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की तरफ़ से उसे जो भी हुक्म दिया जाए या जिस काम से रोका जाए तो उसमें बगैर किसी तावील के बग़ैर किसी शशोपंज के अपने आप को उसके हवाले कर दे उसके ताबे कर दे तो तस्लीम मुतलक का नाम ही इस्लाम और ईमान है वरना जो बात अपनी अकल में आए समझ में आए उसे तस्लीम कर लेना और जो समझ में ना आए उसमें तावील करना बहाने बनाना और उस पर अमल न करना ये खुदा और रसूल किताब सुन्नत की इतबा नहीं है बल्कि अपनी ख़्वाहिशात और अक्ल की इतब है ये परस्ती है हदीस पाक सहाबी सईदना हज़रत अबू हुरेदील्ला से मरवी है जिनका नाम अब्दरहन बिन सखर है पहली मरतबा नाम आया है इसलिए हजरत ने आपके नाम की वजाहत फर्मादीप दुनिया हदीस में सबसे ज़्यादा अदीस आप ही से मरवी है आपको इस्लाम कहा जाता है इस्लाम के गुलशन को सैराब करने वाला और इस्लाम का सबसे बड़ा रावी वे इल्म आब इल्म का एक ज़र्फ और एक बर्तन थे यह हदीस जो हज़रत अबू हुर रजी यहाँ ज़िक्र फरमा रहे हैं इसका एक शान वरूद बयान किया जाता है वो ये कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम ने खिताब फरमाया और कहा याद फ़रदुल्ला हज आम फ्जू एलोगो अल्लाह ने तुम पर हज को फ़र्ज कर दिया है लहजा तुम हज करो जब सल्लल्लाहु अलैहि आपल् वसल्लम ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हज को फ़र्ज फरमाया है हज अदा करो तो एक शख़्स ने पूछा अक्कुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज करे तो ये जो उनका सवाल था इस सवाल की ज़रूरत नहीं थी इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि हज करो तो बस एक मर्तबा हज करो हुक्म का इम्तिसाल करो उसमें सवाल दर सवाल की ज़रूरत नहीं है तो जब उन्होंने ये सवाल किया तो आप वसल्लम ख़ामोश रहे यहाँ तक कि उन्होंने तीन मरतबा ये सवाल दोहराया तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल तो लव जब वलमस्त तुम अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना तुम पर फ़र्ज़ हो जाता और तुम इसकी इस्तात न रख करते और फिर फरमा दिया कि माँ नाई तो हो जिन चीज़ों से मैं मना करूँ उनसे रुक जाओ वमा अमर तो कुम भी फलूम इन्हों मस्ता तुम और जिन चीज़ों का हुक्म दूँ तो मकदूर पर इस्तात और ताक़त के मुआफ़ जितना तुमसे हो सके उनको अदा करने की कोशिश करो सलाद की कसरत मत करो इसलिए कि तुमसे पहले लोगों को सालत की कसरत ने ही हला किया है और अम्बिया के साथ इख्लाफ करने ने तबाह बर्बाद किया है अब ये हदीस पाक का जो जुमला है माँ नहाई तो कुमान हो फ तबू अमा अमर तो कुम भी फलो में हूँ तुम करीम में भी हो इसी मजमून की आयत है माँ आता कुमर रसूल हो फुदो हो अमा नहा कुमान हो फ़न हो जो कुछ रसूल तुम्हें दें जिस चीज़ का हुक्म दें उसको बजा लाओ उसको करो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ तो रसूल करीम सल्ला वसम की शरीरियत में एक अथार्टी है आप मुस्तकिल एक मुज्तहिद और शारे की हैसियत रखते हैं तो आप जो हुक्म भी देंगे वो ज़रूर जरूर खुदा आलम की मरदुयात के मुताबिक होगा और जिस चीज़ से भी मना करेंगे वो ज़रूर बरूर खुदा वंद आलम की रज़ा जोही के लिए ही होगा इसलिए सही सनद से जो हदीस साबित हो जाए उस हदीस को तस्लीम करना ये लाजिम और ज़रूरी है तो माँ ये बहुत वसी लफ्ज़ है जिस चीज़ से भी मना किया जाए खा दुनिया की खाने पीने की चीज़ें हो या अकायद के किस्म की चीज़ें हो या जुबान से होने वाले आमाल और बदकलामियाँ हो या इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिस जिस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया मुतलकन उससे रुकना है कोई वजर नहीं है इसलिए कि रुकना और महरमा से इजतनाब मनहियात से बात रिबाज रहना ऐसा नहीं है कि दुश्वार हो ताक़त से बाहर हो इसकी इस्तात ना हो इसलिए कि उसमें कुछ करना नहीं है बल्कि अपने आप को रोके के रखना है इसीलिए वहाँ ये कैद नहीं लगाई कि जितना हो सके बाद में मामूरात में जिस चीज़ का आप हुक्म दें उसमें तो ये कैद लगाई कि जितना तुमसे हो सके लेकिन मुहर्रमात में ये कैद नहीं लगाई इसलिए मुहर्रमात से मुतलक रुकना है उसमें किसी का कोई ओजर नहीं है इसीलिए बाज़ल ने इस इबारत से इस अंदाज़ कलाम से ये फ़ायदा भी अखज़ किया है कि महरमत से इजतनाब यह मामूर को बजा लाने से ज़्यादा अफजल है इसलिए कि मामूर के साथ कैद है मस्त तुम जितना तुमसे हो सके और महरमार से बचने के लिए ये कैद नहीं है इसीलिए हज़रत उबर बिन अब्दुलज़ीज़ रही फरमाते थे कि तकवार में क़्याम करने दिन में रोज़ा रखने और इनके मबेन मामलत में ख़लत मलत करने और मुहर्रमात का इर्तिकाब करने का नाम नहीं है बल्कि रोज़ा तकवा ये है कि मुहर्रमात को मुतलकन छोड़ दिया जाए और जो फ़राइज़ हैं उनकी पाबंदी की जाए हाँ फ़राइज की पाबंदी करते हुए मुहर्रमात को छोड़ते हुए कियामल और النهار भी हो जाए तो ये नूर नाला नूर और बेहतर ही बेहतर है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने पहले जुमले में यही इरशाद फरमाया जिन चीज़ों से मैं तुम्हें रोक दूँ उनसे रुक जाओ और जिन चीज़ों का हुक्म दूँ उनको बजा लाओ उनको अदा करो जितना तुमसे हो सके तो ये जो मस्त तुम आप सलाम ने इरशाद फरमाया ये भी बहुत अहम कायदा है इससे बेशुमार अहकाम मुस्तमत होते हैं कि जब बाज़ अरकान और शरूत को अदा करने से तुम आजिज़ आ जाओ तो बकिया जितनों का जितने अमाल और अरकान का अदा करना तुम्हारे बस में हो उसको अदा करो मसला नमाज में हमारे लिए असल हकम ये है कि रसूल करीम सल्ला वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक तमाम सुनन वाजिबात फ़राइज की पाबंदी अदायगी के साथ उनको बजा लाने के साथ नमाज पढ़ी जाए लेकिन कोई शख्स कयाम से आजिज़ है तो अब मस्तुम का तकाजा ये है कि बैठ कर नमाज पढ़े बैठने से भी आजिज़ है लेट कर नमाज पढ़े लेटने से भी आजिज़ है तो इशारों से नमाज पढ़े तो हुक्म तो साकित नहीं होगा बजा तो ज़रूरी होगी लेकिन इस्तात के मुताबिक जितना हो सके मकदूर के मुताबिक इसी तरीके से वजू का हुक्म है तो अब कोई शख्स मुकम्मल तौर पर वजू नहीं कर सकता है उससे आजिज़ है उसके आज़ा में किसी जगह कोई ज़ख़म है या पानी उसके लिए नुक़सानद है तो उसको इजाज़त है कि उस वजू को ना धोए या अगर पानी उसके लिए नुकसानदेह है तो तम करे तो उसका मुतबादिल मौजूद है और मस्तातम की क़ैद से फ़ायदा उठाते हुए ये उसकी तरफ़ आ सकता है तो जो शख़्स आमाल करना चाहता है उसके लिए शरीयत ने उसकी ताकत के मुआफिक आमाल दिए हैं और आजिज़ होने की ज़रूरत में उसको रुखसत भी दी है लेकिन कसरत से सवाल करना एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ़ बहाने और सवाल तलाश करना तो तोमून ऐसा वो शख्स करता है जिसे अमल न करना हो जिसको अमल करना हो जिसे मानना हो वो बग़ैर चूँ चिरा किए आमन ना वद्द ना कहते हुए काम में लग जाता है लेकिन जिसको सुस्ती का शिकार होना है काम नहीं करना है तो वह बहने तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ साल करता है तो जब यह कह दिया गया कि फहजो हज करो तो ये अमर है और अमर तकरार का तकाजा नहीं करता एक मरतबा काम कर लिया उसकी अदायगी हो गई तो फज्जो का तकाजा भी यही है कि एक मरतबा हज कर लो यही पूरी उम्मत का मुतफ़ा का फैसला है कि ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है फिर जो नमाज रोज़े या दूसरी इबादत में अवामिर हैं वहाँ अमर आया है हुक्म आया है उसमें जो तकरार है तो इसबाब के तकरार की वजह से है नमाज के अवत लौट कर आते हैं तो नमाज मुकर्र पड़ी जाती है वरना मुतलकन अमर ये तकरार का तकाजा नहीं करता पहले लोगों को बे गैर ज़रूरी सवालत की कसरत ने हलक किया कि गैर ज़रूरी की क़ैद सिया को सिबाक से लगाई गई है इसलिए कि ज़रूरी सवाल तहसील इल्म के सवाल मजीद फ़काहत के सवाल समझने के सवाल ये मतलूब हैं खुद कुरान ने कहा है फ़स अलिक्र सवाल करो और सवाल नष्फ इल्म है तो मुतलकन सवाल से मना नहीं किया गया बल्कि गैर ज़रूरी सवालत से मना किया गया है जैसे बनी इसराइल में किसी शख़्स को कत्ल कर दिया गया तो अब कातिल कौन है उसका पता लगाने के लिए उनके पास कोई आलामत नहीं थी पता नहीं चल रहा था तो मूसा आई साम के पास गए मूसा आई सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें फरमाया कि फ बकारा तुम एक गाये जबह करो तो अब उनको मूसा सलातम को अल्लाह का नबी मान कर तसलीमें मुतल करते हुए गाय को ज़बह करना चाहिए था लेकिन नहीं उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि अत तखीर ना हंजुआ कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो मूसा सलाम को सफाई देनी पड़ी कि ना रबिल्ला मैं नबी होते हुए शरीयत के अकाम के साथ मजाक करूँगा अल्लाह की पनाह इस पर भी वो लोग बाज नहीं आए अब गाय के अवसाफ गाय के का रंग गाय की कद्दोकामत इन सारी चीज़ों के बारे में सवालत करने लगे तो फद्दोश्दल्ला उन्होंने सख्ती से काम लिया तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती कर दी अगर वो किसी भी गाय को पकड़ कर ज़बह कर देते तो उनके लिए काफ़ी हो जाता अल्लाह के हुक्म का इमतसाल हो जाता नबी के हुक्म की इतबा हो जाती तो यही हमें बतलाया गया है कि सवालत की कसरत न करें और गैर ज़रूरी सवाल की कैद है और अम्बिया के साथ इख्लाफ नहीं अम्बिया आल सलात वाम मासूम होते हैं अम्बिया आल सला सलाम उम्मत के महसिन होते हैं इसलिए खुदा और रसूल का जो भी हुक्म हो उसे हमें दिलोजान से मान लेना चाहिए कि यकीन इसी में हमारी भलाई इसी में हमारी खैर और इसी में हमारी दुनिया व आखिरत की फलाह और सलाह है इसलिए कि हमारे सबसे बड़े महसिन खुदा और रसूल उनसे बढ़कर हमारा कोई महसिन खैर खवा और हमदर्द नहीं हो सकता तो खुदा और रसूल ने जो हुक्म दे दिया उसको तस्लीम कर लेना चाहिए उस पर आमदना व श्दक न कह देना चाहिए उसको अकल की तराज़ों पर तोलने की ज़रूरत नहीं है खुदा और वसूल के फैसले अक्ल से बहुत बढ़कर हैं हमारी नाकिस अक़ल उनकी हिकमतों का उनके फ़वाद का सही इदरक नहीं कर सकती अल्लाह हमें समझने की वा, और अमल की तोफ़ी नसीब फरमाए व आखिरहदिल्ला रबालमिन